नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब आपका घर स्वर्ग जैसी होगी, क्यों दोस्तों आपके घर में एक अद्भुत देवी का पैर आ चुका है। जी दोस्तों, और यश में आपके लिए बहुत ही बड़ा सावधानी पूर्वक समय रहने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप दोबारा यह गलती बिल्कुल ना करें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हम जाने जाने में अपने जीवन काल में कई सारी सीरी गलतियां कर देते हैं, जिसे दोस्तों हमारे जीवन काल से देवी देवताओं का वास हट जाता है। जी दोस्तों, और जब भी हम अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब दोस्तों फिर से देवी देवताओं का वास हमारे जीवन काल में होते हैं। जी दोस्तों, और यश में भी आपके जीवन काल में आपके अच्छे ही कर्म है, जो कि यह देवी आपके जीवन काल में आई है और अब आपके जीवन काल में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यश में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये दोस्तों उससे पहले सर्वप्रथम जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन काल में सदैव रहेगा। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आपको कौन सी गलतियां अब अपने जीवन काल में नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी चीज अगर आपके घर पर आते हैं, आपके द्वार पर आते हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले उनको धुतकारें ना, ना ही दोस्तों आप उनका अपमान करें। जो दोस्तों घर में आए कोई भी अतिथि भगवान के शत्रु होते हैं, तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले दोस्तों जितना आपसे हो सके आप उनका सम्मान करें, आप दान करें जितना आपसे हो सके, जितना आप रुचि रखते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, और यश में भी आपके जीवन काल में यह देवी का पैर आपके घर आ चुका है, तो दोस्तों आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है, तभी दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ईश्वर का वास रहेगा और आपके जीवन काल में फिर से खुशियों से घर परिपूर्ण रहेगा। जी दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में किसी के भी साथ घर में खासकर स्त्रियों के साथ अभद्र शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इनसे दोस्तों मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में आई धन भी चले जाते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि किसी के भी साथ आप अभद्र शब्द का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों इन गलतियों को अब आपको नहीं करना है। ये दोस्तों या देवी का वास आपके जीवन काल में हमेशा रहेगा। तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि यह देवी का चरण आपके घर आ चुका है और अब आपको आपके जीवन काल में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में इनका क्या क्या प्रभाव होगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष इसमय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यश में अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यश में हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यश में आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे, जो ग्रह स्थिति होंगे, यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होंगी। दोस्तों यश में बता दें कि आपकी योग्यता व फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यश में मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश में हासिल करने वाले हैं। दोस्तों परंतु आलस व फिर ज़्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं, तो दोस्तों यश में योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त इसमें लग सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी जिससे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत ये समय आपके लिए जैसे होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यह समय इमोशनल होने के बजाय चतुराई व फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन इसमें प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य इसमें मध्यता से हल हो सकती है। दोस्तों इसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसको उपरांत इसमें आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि रुपये पैसे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें। आपकी कोई योजना इसमें गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों इसमें उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए इसमें आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना इसमें आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और इसमें आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखेगा। तो अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में भी केस संबंधी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही दोस्तों दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप जो है इसमें अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें, किसी भी कार्य में व्यर्थ ही पैसा खर्च ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखने की आपकी जो कोशिश होंगी इसमें सफल होंगी। फिर भी दोस्तों विचारों में सकारात्मकता और आपको फोकस बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है लेकिन दोस्तों सरल भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है। समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने की आपको इसमें कोशिश करते रहना चाहिए, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में जनसंपर्कों का दायरा अधिक विस्तृत होगा, परंतु अभी भी व्यापारिक गतिविधियों का गंभीरता व फिर बारीकी से मूल्यांकन करना आपके लिए इसमें जरूरी होगा। दोस्तों सीनियर्स लोगों के साथ संबंध खराब न करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाभ की उतनी उम्मीद ना रखें जितनी आप रख रहे हैं। दोस्तों यश में आपके लिए बेहतर होंगे कि आप कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि व्यवसाय में स्थितियाँ यश में बेहतर भी रहेंगी। कुछ हल्की फुल्की परेशानियाँ तो आएंगी पर दोस्तों समय रहते उनका हल भी निकलेगा। नई प्रॉपर्टी और नए लोगों से व्यवहार करते समय आपको इसमें सचेत रहना चाहिए। दोस्तों शादी कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी इसमें आपको नजर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें, यह संबंध आपकी तरक्की फायदेमंद साबित कराने वाले हैं। दोस्तों मशीनरी स्टाफ आदि से जुड़े छोटी मोटी परेशानियां उठ सकती है, उन पर काम करना परेशानियों से निकाल देगा, तो दोस्तों इसमें जरूर उन पर काम करें। और इसके बाद दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि व्यापार व फिर काम काज को लेकर कोई नई की यात्रा आपके उत्तम भविष्य का रास्ता खोल देगी, इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखें। नौकरी में बॉस व फिर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट भी रहेंगे, साथ ही पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसमें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
इसको पढ़ा दोस्तों यशु में। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशु में घर में सुख शांति भरा माहौल भी रहेगा। जीवन साथी के साथ अपनी हर योजना शेयर करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। उनकी सलाह आपके लिए इसमें लाभदायक साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु दोस्तों आपकी जब भी सूझबूझ रहेगी तो इसके द्वारा आप सभी परिस्थितियों में विजय भी हासिल करेंगे। इसलिए दोस्तों इसमें आप अपने वाणी पर संयम रखें और किसी भी बात को कठोरता से ना बोलें। प्रेम संबंधों में भी आप इसमें समय व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन सुख शांति के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती है, इन्हें अपने काम पर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों इसमें शारीरिक कमजोरी और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। तो दोस्तों इन पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।